हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है इमरान और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि एसटीसी पे से पैसा कैसे ट्रांसफ़र करें वेस्टर्न यूनियन जैसा। तो आप ये ट्रांसफ़र पे क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा है ट्रांसफ़र मनी नाउ, इस पर क्लिक कर दें। फिर जिसके नाम से पैसा ट्रांसफ़र करना है इधर लिख दीजिए उसका नाम। मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। यहाँ पे नाम लिखने के बाद ये आपके फ्रेंड हैं या आपके रिलेटिव हैं, यहाँ पे आप बहुत सारा ऑप्शन है। जैसे आपको पर्सनल अगर भेजना है तो भेज सकते हैं, और अपने बिजनेस के लिए भेज रहे हैं, एम्प्लॉय के लिए भेज रहे हैं, या फिर आपका फ्रेंड फैमिली कुछ भी है। अगर फ्रेंड फैमिली कोई भी है तो ये ऊपर वाले पे यहाँ पे क्लिक कर दें। फिर जिसको पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो कहाँ का है, इंडिया का है, तो आप यहाँ पर कंट्री पर जाके अगर वो इंडिया का निकलने वाला है पैसा तो इंडिया लिख दीजिए यहाँ पर। और यहाँ पे डिलीवरी ऑप्शन लिखा हुआ है, जैसे आप कैसा पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। अगर आपको वेस्टर्न यूनियन कैश पिकअप का अगर ट्रांसफ़र करना है, जैसे वेस्टर्न यूनियन से ट्रांसफ़र होता है पैसा, तो ये ऊपर वाले पे क्लिक कर दें। और अगर बैंक से बैंक भेजना है, अगर ट्रांसफ़र टू बैंक अकाउंट, अगर आपके अकाउंट में भेजना है तो आपके अकाउंट में भेज सकते हैं। मोबाइल वॉलेट में अगर भेजना चाहते हैं तो इधर भी तीन ऑप्शन है। तो मुझे वेस्टर्न यूनियन वाला पैसा भेजना है, जैसे वेस्टर्न यूनियन से निकालते हैं, नाम नंबर देख के या नाम बोल बोल के निकालते हैं, तो ये ऊपर वाला ऑप्शन वही है वेस्टर्न यूनियन वाला, कैश पिकअप वाले पर क्लिक कर दें। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करें। उसके बाद पैसा जो निकालने वाले हैं उनकी कंट्री कौन सी है, जैसे कि अगर इंडिया के हैं तो इंडिया पे यहाँ पे इंडिया आप लिख दें कि वो इंडियन है। अगर आपको उनकी उम्र डालना है कि उनकी एज कितनी है, उनकी उम्र कितनी है, अगर डालना चाहते हो तो इधर डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आप इसमें कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। फिर आपको कितना पैसा डालना है, जैसे आपको अगर रियाल में डालना है, आपको रियाल भेजना है कि 1000 रियाल भेजना है, तो आप ये ऊपर वाले पे यहाँ रियाल लिखा है SAR, यहाँ पे क्लिक करके आप डाल सकते हैं रियाल में। अगर आपको इंडियन रुपीस में डालना है, कितना डालना है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके वो डाल सकते हैं। तो मुझे अभी सऊदी रियाल के हिसाब से डालना है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो मैं 1000 रियाल इसमें डालना है, 1000 लिख के यहाँ पर डन कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर लिख के आएगा आपका टोटल अमाउंट कितना बनेगा, 19180 रियाल बनेगा, 180 रुपया इंडियन। और यहाँ पे एक्सचेंज रेट दिखाएगा 19 रुपये 18 हलाला, यहाँ पे नीचे दिखे, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे होगा आपका इंक्लूड। अगर फीस डालना चाहते हैं, जैसे 1000 के अंदर आपको उसी के अंदर पैसा करना है कि उसका चार्ज, तो इसको यहाँ पे इंक्लूड फीस यहाँ पे करके इसको ऑन कर दें। अगर आपके पास प्रमोशन कोड है, जैसे मेरा प्रमोशन कोड है, तो मैं इसमें यहाँ पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं अपना प्रमोशन कोड डाल देता हूँ, जैसे मेरा प्रमोशन कोड है CNTFW4, ये मेरा प्रमोशन कोड है, इसे डालेंगे तो आपको कैशबैक आ सकता है। यहाँ पे ये एग्री टू टर्म एंड कंडीशन पे यहाँ पे क्लिक कर दें। इसको ऑन करके यहाँ पे आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। ये देखिए यहाँ पे पूरा आपको डिटेल दिखाएगा कि आपको क्या है, पूरा जो भी रहेगा यहाँ पे एक्सचेंज रेट मिलेगा, यहाँ पे दिखेगा एक्सचेंज रेट, ये दिखा रहा है 19 रियाल 18 हलाला दिखा रहा है, और ये अमाउंट लिख रहा है इन रियाल में इतना दिखा रहा है आपको, 982 रियाल आपका, मतलब कि यहाँ से आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और फीस कट रहा है 15 रियाल, वेट चार्ज 2.5 रियाल, 25 हलाला कट रहा है आपका। टोटल अमाउंट आप रिसीव कर सकते हैं 18849 रियाल 63 हलाला, मतलब 63 पैसा इंडियन रुपीज़ में। ये जिस नाम से आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, रिसीवर नेम इसका नाम लिख दिख जाएगा यहाँ पर, और रिसीवर कंट्री इंडिया दिख जाएगी आपको यहाँ पे। कलेक्शन पॉइंट मतलब कि आप कैसे मतलब पैसा निकाल सकते हैं, ये लिखा है वेस्टर्न यूनियन कैश पिकअप, ये आपको पूरा यहाँ पे डिटेल मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म कर दीजिए एक बार, और यहाँ पे लिखा है आई एग्री, ये कंडीशन पूरा लिखा है जो भी है, इसे क्लिक कर दें एक बार। अभी आपको एक OTP आएगा, वो OTP इधर डालना है, जैसे देखिए OTP आ गया है। यहाँ पे OTP डाल के, OTP डालते ही ऑटोमेटिक वो ले लेगा। ये देखिए आपका पैसा ट्रांसफ़र, ये लिखा यू हैव सेंड, ये पैसा आपका ट्रांसफ़र हो गया है। यहाँ पे आप यहाँ पे डन कर दीजिए। देखिए आपका ये पैसा ट्रांसफ़र मतलब अभी हुआ नहीं है, ये लिखा है अंडर रिव्यू लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख करके आएगा। जैसे ये नीचे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसफ़र कंप्लीटेड,
तो ऐसा ही सेम इधर लिख के आएगा तो ये पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो अभी ये 5 से 10 मिनट में ये पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस तरह से आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।